अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं और सबको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली अल्लाह जिंदगी दे। सेहत तो सबसे पहले ही होती है ना, सेहत तो जरूरी है ना। तो सेहत है तो सब कुछ है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, बाकी बाद में है। तो अल्लाह सबको तंदुरुस्त रखे और हर एक की जो दिल में जो भी अच्छी मुराद है, अच्छी हाजत है, अल्लाह पूरी करे सबकी। तो मेरे घर में आज लगी हुई है रौनक, बच्चे आए हुए हैं, मेरी दोस्त आई हुई है दो। तो थोड़ा सा वो कह रही थी कि जी 14 अगस्त है तो हम लोग थोड़ा इंजॉय कर ले। मैंने कहा चले आ जाए, मुहर्रम का महीना भी है, वो भी हमें पता है, ख्याल रखना है इस चीज का भी। लेकिन बच्चों के थोड़ा सी ख्वाहिश थी, क्योंकि हम लोग जरा प्रदेश में रहते हैं तो हमें यही होता है ज्यादातर कि बच्चों को भी पता चले कि कौन कौन से दिन क्या क्या है। बल्कि आज मुझे सबसे छोटा वाला जो बच्चा मेरे घर में मौजूद है वो मुझे पूछ रहा था कि पाकिस्तान कब बना था और कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। तो मैंने बोला 74 साल हो गए हैं। तो कहते हैं पाकिस्तान तो फिर ओल्ड हो गया हुआ है। मैंने कहा हाँ बहुत ओल्ड हो गया हुआ है। अल्लाह ख्याल रखे हमारे पाकिस्तान की। मैं किचन में हूँ, थोड़ा कुछ बना रही हूँ, चाय रखी हुई है, सबकी ख्वाहिश है जी हम चाय पियेंगे। तो मेरी चाय बन रही है। ये बातों बातों में ना मेरी चाय जो है ना वो बाहर आने लगी थी सारी। यहाँ बच्चे भी खुश हो रहे हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा देखें जी ग्रीन ग्रीन किया हुआ है, ये देखें जी हमारा पाकिस्तान का झंडे का कलर भी ग्रीन और हमारा पाकिस्तान भी ग्रीन। और स्पेशल ये है, ये देखें जी पिछले साल भी हमने बनाया था इस तरह, इस दफा भी हमने बनाया है पाकिस्तान का फ्लैग। ये बच्चों ने भी बनाए हैं इतने शौक से। देखें यहाँ बच्चे कितना मतलब पसंद करते हैं कि उन्होंने देखो इतने प्यारे पाकिस्तान जिंदाबाद, कितने प्यारे फ्लैग्स बनाए हैं, झंडे बनाए हैं। ये देखें फ्रॉम आयान, माशाल्लाह। ये यहाँ पर बच्चों को ना सिखाया तो जाता है जी, स्कूल में सिखा हुआ था। ये है जी आयान, ये देखें जी कितना प्यारा माशाल्लाह प्यारे झंडे बनाए हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने झंडे बनाए। हाँ जी पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा कायम दायम रहे पाकिस्तान, वो गई हमारी लायक। देखिए शवारमा बन रहे हैं यहाँ पर। ये बोला गया इनको कि अपनी मर्जी से जो दिल चाहता है डाल के बनाए। और यहाँ पर ये खास इस महीने के अगस्त के महीने की जो खजूर है वो आती हैं। और ये भी है कुछ बनाया खाने के लिए, तो वो भी बना कर लेके आई है मेरे दोस्त भी। ये देखें जी यहाँ भी है चाय हम बना रहे हैं। ये देखें ये खास स्पेशल एक हमने झंडा जो है वो बनाया और ये बच्चे बना कर लाए फ्लैग। थोड़ा सा सजाया है, इतना ज्यादा नहीं है। ये देखें यहाँ भी फ्लैग लगाया हुआ है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत झंडा लगाया हुआ है। ये देखें जी यहाँ पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान 14 अगस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें हम लोग तो यहाँ पर देश में बस ऐसे ही, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ इतना ज़्यादा हम नहीं कर सके एंजॉय, जितना बस थोड़ा सा था वो कर लिया। मैं रह गई थी तो मैंने अपना सैंडविच बना लिया, खाने लगी थी। यहाँ तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं बच्चे माशाल्लाह। 14 अगस्त ये सारी खुशी तो बच्चों के लिए ही होती है, जाहिर है बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हाय हाय, हमने अचानक ही प्रोग्राम बना लिया था तो फिर तैयारी भी कर ली, कोई नहीं खाने पीने का तो बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर ली थी काफी सारी। हमें मेरे दोस्त इतने मजे के ये बना के लेके आई टेस्ट कर, बहुत मजे के। वो भी मैं खाऊंगी इंशाल्लाह, वो भी मैं खाऊंगी। दोस्तों का यही तो फायदा हो जाता है के मिलके बना लेते हैं। तो हमने अचानक से प्रोग्राम बनाया और सब ने एक एक डिश बना ली बस ऐसे ही खाने के लिए। तो ये बहुत ही मजे का हमने बनाया सैंडविच। ये मैंने बनाया था, सब ने खाया है, बहुत ज्यादा खाया है, बहुत मजे लिए।
हाँ तो सब ने बच्चों ने ग्रीन शर्ट्स पहनी है, तो ये स्वीट भी बहुत मजे का। बच्चों ने ग्रीन शर्ट्स पहनी है पर वीडियो में नहीं आ रहे, शर्म आ रही है बच्चों को इसलिए नहीं आ रहे। मेरे दोस्त ने भी जो है ना वो ग्रीन कपड़े पहन के आई है और सब हम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आवाजें तो आ रही होंगी आपको सबको, पीछे बोल रहे हैं बच्चे। ये पाकिस्तान का झंडा जो है ना ये हमेशा कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह। अब खा पी रहे थे, बहुत एंजॉय किया है हम सब ने, बहुत एंजॉय किया। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि केक भी काटना है, तो केक भी लेके आ रहे। लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे, केक जो है ना वो फ्लैग जो होता है ना उस तरह फ्लैग पाकिस्तान का जो होता है ना वो नहीं बनवा सके, तो हमें अचानक ही प्रोग्राम बना था तो अचानक से ही केक लेकर आए थे। तो देखे जी केक, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे तो हो गया, लेकिन हमने झंडा खुद ही बना के लगा लिया। हो गया ये काम हमारा अच्छा। तो हम केक काटने लगे, हमारे पास सारे फ्लैग वाली चीजें हैं जी खाने वाली। चलो जी केक काट लो। हाँ जी, तो बच्चों की खुशी के लिए तो फिर केक काटने लगे थे। एक पिक्चर पहले बना, चलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा कायम और दायम रहे पाकिस्तान हमारा, ता कियामत तक कायम रहे, और पाकिस्तान हर मुसलमानों के काम आए। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत पावर दी है, इंशाल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों के काम आए। हमने केक काट लिया, अब खाने लगे। केक खाने लगी हूँ मैं भी, थोड़ा सा पीस मुझे भी दे दे केक का। बहुत ही प्यारा बच्चा है मेरे दोस्त का बेटा, सही कहा जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ तो हम इसलिए थोड़ा सा हमने फंक्शन कर लिया था, पार्टी छोटी सी 14 अगस्त की, जो बच्चे हैं ना उनको पता चलता रहे। माशाल्लाह केक का तो खात्मा हो गया है, देखें जी केक सब ने खा लिया है। अब जाली की तरफ भी जा रहे हैं, नमकीन खाना है अपने। तो आज 14 अगस्त, सारी रात हमने 14 अगस्त मनाई। अभी फिर बच्चे कह रहे थे थोड़ा घूमना है जाना है हमने, तो हम बाहर जा रहे हैं घूमने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो मेरी दोस्त भी आ गई, उसको भी पिक कर लिया, उसके बच्चे भी हैं साथ में। वालेकुम अस्सलाम, जवाब बाद में दे रही हूँ सलाम का। चले जी देखते हैं कहाँ कहाँ हम घूमते हैं, अभी कोई पता नहीं है कहाँ घूमना है, जहाँ बच्चे कहेंगे चले जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो बच्चों ने कहा कि हमने जाना है टावर, टावर वहाँ जो कुवैत के फेमस है वहाँ पर जा रहे हैं हम, तो वहाँ पर जाएंगे इंशाल्लाह, जा रहे हैं। हम बड़े शौक से जा रहे थे कि चलो थोड़ा सा 14 अगस्त का एंड हो रहा है तो हम थोड़ा सा घूमाए बाहर, तो हमारे साथ क्या हुआ देखे, हमारे साथ क्या हुआ है कि अचानक से ना पता नहीं क्या हो गया होगा, टायर खराब हुआ होगा तो टायर फट गया गाड़ी का। तो हम यहाँ इमरजेंसी इशारा लगा कर बैठे हुए, मैं अभी देखा नहीं है मैंने बाहर निकल के, तो देखने लगी है कि क्या बना हुआ है, क्या हुआ है मेरा। तो अभी ही थोड़ी देर पहले मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि ना मैं ना सोच रही हूँ कि मैं गाड़ी के टायर जो है ना वो चेंज करवा लूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा शक पड़ रहा था। एक दफ़ा मैंने रिपेयर करवाया था टायर, रिपेयर तो मैंने करवाया था एक दफ़ा। तो ये हम यहाँ पर आकर रुके हुए हैं, यहाँ पर ये हुआ है मसला हमें क्या हुआ, और टायर तो फट गया है वाकई, ये तो पूरा फट गया है टायर, ये देखें जी जो है ना ये देखें जी फट गया सारा एकदम से। ओए ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया, अब क्या करते हैं देखते हैं, मैंने फ़ोन किया है तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो हम यहाँ पर रुके हुए हैं जी, ये वाली इमारत है इसके सामने रुके हुए हैं। हाँ जी, तो गाड़ी को जहाँ खड़ा किया हुआ है तो पुलिस भी आई थी, उससे पहले तो आए थे दो लड़के, तो उन्होंने पूछा था कि कोई मुश्किल हुई है, तो हमने बता दिया उनको, तो वो गए हैं स्पेयर टायर लेकर, वो निकाला तो उन्होंने बताया कि उसके अंदर भी ना वो थोड़ा टायर रिपेयर होने वाला है, यानी हवा कम है, तो वो गए हैं रिपेयर करवाने के लिए। ये एक और भी है पीछे, रिवर्स आ रहा है पूछने के लिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, देखते हैं कि ये क्या पूछता है क्या करता है इसके।
नहीं चाय तो नहीं पीनी, चाय तो नहीं पीनी, लेकिन पूछेगा तो सही ना आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या मसला है, गाड़ी क्यों खड़ी है। तो वो उसने पूछा है, हाँ तो पूछ लिया उसने कि हाँ हेल्प तो हो गई ऑलरेडी, अल्लाह का शुक्र है। देखे यहाँ लोग काम आ जाते हैं एक दूसरे के, हाँ सही करके देंगे, सही है। चलें जी, मैंने हस्बैंड को भी इन्फॉर्म कर दिया हुआ है, वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ वो भी आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो बच्चे कह रहे हैं कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं जो किसी को मुश्किल में देकर तो हेल्प करते हैं। हाँ जी हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। अल्लाह करे अच्छे लोग जो हैं उनको सलामत रखे, अल्लाह सबको सलामत रखे। हाँ जी, तो ये हस्बैंड को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था तो वो आ गए हैं, 10 मिनट लगे हैं इनको आने में, आ गए हैं। तो बता दिया था मैंने कि चले जी कोई हेल्प कर रहा है, तो वो गए हैं टायर लेके। तो ये आ गए हैं टायर को सही करवा के, तो जैक लगाया जा रहा है और इसको स्पेयर टायर जो है ना वो लगाने लगे हैं। गाड़ी चला के मैं लेके जाऊंगी और वो मेरी गाड़ी लेकर आएंगे, क्योंकि वो स्पेयर टायर जो था ना वो भी ख़राब निकला है। अब हम पेट्रोल पंप पर आ गए हैं, यहाँ पर हमने गाड़ियाँ खड़ी कर ली हैं, तो नया टायर लेने जा रहे हैं इस टाइम। अब हम जा रहे हैं नया टायर लेने के लिए, क्योंकि वो जो स्पेयर था ना वो काफ़ी देर से पड़ा था, यूज़ नहीं हुआ था, तो शायद वो भी कोई उसमें भी डिफेक्ट है। तो उसमें एयर भरवा के लाए थे, लेकिन जब यूँ ही लगाया गाड़ी का वज़न पड़ा तो वो फिर से उसके वो जो एयर थी ना वो निकल गई। तो अब हम देखते हैं अभी क्या बनता है, इस टाइम देखते हैं कोई मिल जाए, कोई टायर वाली दुकान खुलेगी, खुली मिलेगी तो मिलेगा, देखते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, रात का 12 बजने वाले हैं, 11:50 हो गए हुए हैं, टाइम काफ़ी हुआ है रात का, लेकिन पता नहीं इस टाइम मिले कि ना मिले, ये तो अब जाएंगे तो पता चलेगा। आखिरकार हमें मिल गई है एक शॉप, खुली हुई है ये शॉप, यहाँ पर टायर भी हैं, तो यहाँ से अब पता करने लगे हैं। तो ये है जी शेल हेलिक्स, तो यहाँ पर ये मेरा ख्याल 24 आवर सर्विस है यहाँ शॉप, यहाँ पर टायर का लगता है मसला हल हो जाएगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह, देखते हैं। आप शॉप पे मिल गया टायर, पहले तो कह रहा था कि नहीं है, इधर से तो उसने सारा चेक किया था, नहीं मिला था। टायर का मसला हल हो गया, नया करवा लिया, ले लिया। तो अब हम जा रहे हैं पेट्रोल स्टेशन वापस, वो हम जा रहे हैं उसी पेट्रोल स्टेशन पर जहाँ से, जहाँ पर हमने गाड़ी छोड़ी हुई है, तो वहाँ जाकर अब टायर लगाएंगे जो नया बनवा के लाए हैं। यहाँ पर तुर्की की एम्बेसी भी है, उसका झंडा लगा हुआ है जी।
गाड़ी मेरी काफ़ी रिपेयर होने वाली है इंशाल्लाह नई लूँगी गाड़ी इंशाल्लाह अभी थोड़े अरसे के बाद इंशाल्लाह ज़रूर। तो जो भी अल्लाह ने दिया शुक्र अल्लाह का ये भी। तो यहाँ पर दूसरी साइड पे सी साइड है, समंदर है, ये पेट्रोल स्टेशन है और यहाँ पर दूसरे सामने जो है ना वो सी साइड है। टायर तो लग गया, रिपेयर हो गया, नया टायर आ रहा। चले जी ये तो लग गया, अब मुश्किल आसान हो गई है। एयर चेक कर रहे हैं टायरों की, एयर मैसी। जहाँ हमने जाना था वहाँ तो हम नहीं गए, हम यहाँ आ गए हैं। बच्चों ने कुछ खाना है, हम यहाँ पर आ गए हैं। अब ये मैकडोनल्ड, बच्चे कह रहे थे कि आइसक्रीम खानी है या पता नहीं कुछ खाना होगा उन्होंने, और 1:30 का टाइम भी हो गया है। तो यहाँ पर अभी डिसाइड हो रहा है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, सब लगे हुए हैं अपनी अपनी मर्ज़ी का, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। तो रात के 2 बजे क्या खाना है इन्होंने, इनको पता होगा इन्होंने क्या खाना है, डिसाइड कर रहे हैं बच्चे। और यो आइसक्रीम तो इधर ये भी ले रहा है असनाक। असनाक ले लो आगे, वो पकड़ लो। तो आखिर इन्होंने आइसक्रीम सब ने ले ली है, ओरियो और एक कोन। जहाँ हमारा प्रोग्राम बना था जाने का वहाँ तो हम जा नहीं सके, जाना था टावर्स पर थोड़ा एंजॉय करने के लिए, तो टायर का जो मसला हुआ फिर उसकी वजह से हम लोग फिर इधर आ गए हैं बट रास्ते में। तो अब इसके बाद हम घर जाएंगे, इतना कोई मज़ा नहीं आया बाहर आने का, किसी और दिन हम प्रोग्राम बना लेंगे बाहर आने का इंशाल्लाह। तो फिर अब हम जा रहे हैं क्योंकि अभी अब ये क्लोजिंग टाइम है, 2 बजे के बाद बंद कर देते हैं, 2 बजे के बाद तो बंद हो जाएगा। तो हम अब जा रहे हैं, चले घर, अब घर जाएंगे या चलो चले घर चलते हैं। आप 2:30 हो गया, लॉक लॉक लगा दिया इन्होंने, डोर बंद हो गया, या खुद ही खोल के देंगे क्योंकि क्लोजिंग टाइम। ओके थैंक यू, मेरा ख्याल है ये कोरोना की वजह से ना सख्ती की जा रही है कि 2 बजे तक तो बंद हो करना लाजमी है। पहले 24 आवर होता था, अब तो 2 बजे बंद हो जाते सारे जो भी है ना होटल, मेरा ख्याल है 2 बजे। हाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम बहुत ही अच्छा हुआ हुआ है इस टाइम, लेकिन हम घर जा रहे हैं अब। हमारा प्रोग्राम तो था सी साइड पे जाने का, तो वो फिर सारा जो कुछ हुआ हो ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो होना ही होता है ना। चले जी।